रसिरेखा पुरुका सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमिगम सर्वकृतवात्यतिष्ठत सांगुलाम्मा पुरुख एवेदगम सर्वञ्जद्भूतं यच्च वायाम्मा उतामृत तपस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावान्स्य महिमा तु ज्यायाश्च पुरुका पादोऽस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयतुरुका पादोऽसेया भवत पुनः ततो विक्वङ्बकरामत्सासनानसने अभि ततो विराड जाजत विराजो अधिपुरुका स जातु अत्यर्चत पश्चाद्भूमिमथो पुरा स्वाज्ञात् सर्वभूतः संवृतं मृगराज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वाजव्या नारायण्यां ग्राम्यांश्च जे स्वाज्ञात् सर्वभूत अरिचः सामानिज्ञिरे छन्द गुंसिज्ञिरे यत्स्माद्यस्माद्दजाजतस्माद् स्वा अजायन्त जिघीचु भयादतः गावोहग्निरे यत्स्माद्स्माज्जाता अजावय तञ्जनाम्बरैके प्रोक्षन् पुरुघं जातं ग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकश्च जि यत्पुरुकं व्यदधुः कतिदाभ्यकृपयन् मुखं किं स्यासीत् किं बाहू किमुरुपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तस्य जृवैस्य प्रभाग्मसूद्रु अजाजत चन्द्रमा मनसूजात्सक्षुः सूर्यो अजाजत श्रोतराद्भाश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजाजत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णमृद्योः समवर्तत त्रिभ्यां भोदिश श्रोत्रा तथा लोका अग्रपयन्न यत्पुरुकेणाभिका देवाज्ञमतन्वतभसन्तोष्यासीदाज्ञं ग्रीक्म इद्मः शरद्धभिः सप्तास्यासन्निपरिध स्त्री सप्तसमिधः कृताः देवाजिद्जनन्तन्वान अवधनन् पुरुकां पशुमाज्ञेन अज्ञमयजन् तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहाकं महिमान स चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम। इस तरह से वहां पर ब्रह्मा जी और समस्त देवता पृथ्वी गौ माता के रूप में श्री पुरुषोक्त के द्वारा भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी के द्वारा कहा, कह रहे हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, पृथ्वी के इस दुख को मुझे पहले से ज्ञात है। मैं शीघ्र ही पृथ्वी के भार को इन दैत्य और अनाचारों से अत्याचार से मुक्त करने के लिए मैं अवतरित होगा। जब भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा ऐसा कहा, उस आकाशवाणी को सत्य मान करके सभी देवता जब जाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं जा कहाँ रहे हो? भगवान जब तुम लोगों के उद्धार के लिए पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए जब अवतरित हो रहे, तो आप जा कहाँ रहे हो? आप ही भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आप अवतरित हो। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता अपनी अंश कला से